कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। आज हम लेक्चर नंबर 3, इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 3। बेटे मुझे मालूम है कि आप मेरे 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। एक लेक्चर में मैंने बताया था सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट एज अ कैरियर फाइनेंस आपकी लाइफ में कहां कहां पे हेल्प कर सकता है, दैट वाज माय लेक्चर नंबर 1। और बेटे लेक्चर नंबर 2 मैंने बताया था कि दिसंबर 2018 में और जून 2019 में पेपर का स्टाइल कैसे था, कितने पार्ट्स आते हैं, कितने नंबर आते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल कितना आता है, थ्योरी कितना आता है और सिकंदर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी बातें मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताई थी। बेटे मैं अभी 2 और इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं से भी, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज जरूर पता होनी चाहिए। और बेटे आज का लेक्चर नंबर 3, क्योंकि पहला लेक्चर था कैरियर का, दूसरा लेक्चर था सिलेबस का, प्रिपरेशन का, सिकंदर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जिसमें मैंने शाहरुख खान की मूवी दिखाई थी, आज लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करने वाला हूं। और बेटे लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको मुख्य तौर पर बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। मेरे 2 लेक्चर्स होंगे जो बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, जो किसी भी बच्चे को किसी भी क्लास करने से पहले, कहीं से भी आप कर रहे हैं बेटे सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, आपको बेसिक नॉलेज और बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो मैं भूपेश आनंद उसी मुहिम पे, उसी लेक्चर की श्रृंखला में, उसी सीरीज में चल रहा हूं। आप प्लीज आज की क्लास को अगर आप नोट कर लेते हैं, बेटे मैंने लेक्चर 2 में बताया था कि आपको अलग से रजिस्टर बनाना है, बातों को लिखना है, खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला। कितनी बार मेरे को स्टूडेंट्स कहते हैं सर आता तो होता है लेकिन हम वहां लिख नहीं पाते क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती। बेटे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बात बोलता हूं कि जब आप सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट का पेपर प्रिपेयर करें तो बेटे आप 2-3 साइट्स को अपना दोस्त बना लें, जैसे moneycontrol.com, जैसे BSC, जैसे NSC। बेटे ये साइट्स ऐसी इंपॉर्टेंट है कि आपकी नॉलेज बड़ी जबरदस्त बढ़ जाती है। ये तो बेसिक साइट्स हैं जो करनी करनी है। moneycontrol.com, BSC और NSC, अगर आप ये 3 साइट्स को दोस्त बना लें और रेगुलरली थोड़ा सा देखना शुरू कर दें तो बेटे आपके सोने पे सोना है ना, आपने सोने पे सुहागा, बेटे सोने पे सुहागा होगा। आइए भूपेश आनंद के साथ आज का इस इंट्रो लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको बेसिक लॉजिक्स बताऊं कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट बना कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। बिल्कुल ग्रास रूट की बातें करेंगे, आपको उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी सेबी के ऊपर, SCRA के ऊपर, आपको बात पता चलेगी डिपॉजिट रिएक्ट की, आपको बात पता चलेगी फाइनेंशियल सिस्टम की, सिस्टम क्या होता है, मार्केट्स क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों लिखना तो पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने लिखा जी सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट 100 मार्क्स का है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 14 चैप्टर जो है सिक्योरिटी लॉस में है और 2 चैप्टर कैपिटल मार्केट में, 14 चैप्टर में तो 70 मार्क्स का आएगा, 2 चैप्टर में तो 30 मार्क्स का आएगा, ये सब बता चुका हूं। लेकिन सवाल है कि आज कोई चैप्टर कराने जा ही नहीं रहा। बेटे ये 14 और 2 16 चैप्टर जो न्यू सिलेबस में आए, ये स्टार्ट होने से पहले क्या माइंड में आवाजें थी, क्या सोचा गया होगा, क्या जरूरत फील की गई होगी, आज मैं उस बात को करने जा रहा हूं। तो बेटे आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 इन्हीं के ऊपर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अ पर्सन, अ स्टूडेंट मस्ट नो बिफोर डूइंग और प्रिपेयरिंग सिक्योरिटीज एनालिसिस, सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट। अब एक बार सुनना जरा ध्यान से, अगर आप इसको प्रैक्टिकली जोड़ देंगे तो लाइफ में ज्यादा आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर के पीछे है क्या। तो मैं भूपेश आनंद आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कहने जा रहा हूं। इस दुनिया में जब ये दुनिया बनी बहुत पुराने जमाने की बात अगर हम करें बेटे, आज ईयर हम कहते हैं कि 2019 खत्म होने वाला है। बेटे 2019 से पहले भी तो दुनिया थी। आप ये बताइए कि अशोका के जमाने में दुनिया थी, फिर भगवान कृष्ण के जमाने में दुनिया थी, फिर द्वापर युग था, फिर सतयुग था। बेटे दुनिया तो बहुत वर्षों से, हजारों वर्षों से चलती आ रही है। सवाल यह है कि उस दुनिया में जो सतयुग में दुनिया थी और जो आज कलयुग में दुनिया है, बेटे इसमें
बेसिक कुछ डिफरेंस है, आज मुझे वही डिफरेंस बताना है। बेटे हम आजकल मैं कलयुग की बातें कर रहा हूं, मैं 2019 की बातें करता हूं, मैं मेक इन इंडिया की बात करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, मैं डिजिटल इंडिया की बात करूंगा, और तभी आपको पता चलेगा कि आज अगर आप बैंकिंग सिस्टम को देखें तो बेटे सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी बैंक्स में, बेटे आजकल कुछ ऐसा है ही नहीं। आप ये मानिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ये कंफर्ट जोन मिला है। अगर अपने पेरेंट्स से पूछे और उनके पेरेंट्स से पूछे, मतलब बड़े पापा से पूछे, पापा से पूछो, तो आपको पता चलेगा कि पहले लाइफ कितनी हार्ड होती थी और आजकल तो बस क्लिक ऑफ सेकंड में आप काम कर देते हैं। गूगल पे बेटे, बेटे पेटीएम, बेटे पेयू मनी, बेटे गूगल, बेटे भीम ऐप, सब काम जल्दी जल्दी हो रहा है। Amazon, Flipkart से आजकल आप सेल परचेज कर लेते हैं बेटे दिवाली के मौसम में। ये सब पहले नहीं था, पहले इतना बढ़िया सिस्टम नहीं था बेटे। तो मैं आज आपको यही बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात जो मैंने बतानी है बेटे, मैंने ये बतानी है कि इस दुनिया में भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो सभी लोगों को अलग 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 तरह से बेटे, कुछ पूरी दुनिया में कुछ पानी रख दिया। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में 70% तो वाटर है बेटे, 70% पानी है जो बढ़ता जा रहा है, और बाकी जो स्पेस बचती है बेटे वो 30% ही है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है और 30% बाकी चीजें हैं। तभी कोई चीज चल रही है बेटे, 70-30 की रेशो चल रही है, 7:3 की रेशो। एक बच्चे को तो ये बात पता ही नहीं थी, उसने कहा अच्छा ऐसा चल रहा है। हाँ बेटे ऐसा ही चल रहा है, 70% पानी है और 30% बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं। तभी आपका सिस्टम चल सकता है, नहीं तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। किसी सिस्टम की बात करें, मैं भूपेश आनंद आज आपसे एक बात करता हूं कि आप लाइफ में कहीं पे भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, रिलायंस जियो की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें, एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें, कोर्ट सिस्टम की, कोर्ट की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, ये दुनिया जो चल रही है ना बेटे, ये जो सूर्य सुबह आ रहा है, फिर इवनिंग में चला अस्त हो जाता है, फिर राइज होता है, बाकी चीजें आ रही हैं, 30 दिन के बाद फुल मून आ जाता है, फिर अमावस्या आ जाती है, फिर ये हो जाता है, फिर दिवाली। बेटे ये क्या है? मैं कहता हूं ये पूरी चीज बेटे एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना बेटे एक सिस्टम से चल रहा है। सीधी सी बात, जो उस सिस्टम के रूल्स को, लॉज को फॉलो करेगा वो तो लाइफ में सक्सेस अचीव करेगा। अब इसके बड़े सारे रूल्स हैं, मैं अभी रूल्स में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे बताना कुछ और है। मुझे बताना है कि जैसे गंगा जी आई गंगोत्री से, यमुना जी आई यमुनोत्री से, तो मुझे बताना है सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट का पेपर कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या जरूरत थी। तो मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं उसको समझाने के लिए एक बात कहता हूं। सिस्टम बेटे, आपने बड़े सारे सिस्टम सुने होंगे और देखे भी होंगे। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में एक कंप्यूटर जरूर होगा, आपको क्या लगता है बेटे कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या बातें रही होंगी। बेटे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, सिस्टम है क्या, चलिए जी कंप्यूटर भी छोड़ देते हैं, खाली मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिस्टम, कंप्यूटर छोड़ देते हैं। बट सिस्टम अगर आप ध्यान से देखें, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। मैंने कहा ये दुनिया एक सिस्टम से चल रही है, और अभी 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 बताऊंगा सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट के बारे में बताऊंगा। एक बच्चा कहता है ये दूसरा लेक्चर है, उसके थप्पड़ मारना कान में। बेटे सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट का सब्जेक्ट ही चल रहा है, वो तो और ध्यान से बैठ गया बेटे, कमर उसने सीधी कर ली। मैंने कहा ये दुनिया सिस्टम से चल रही है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, ट्रैफिक सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, इवन आपका जो लाइफ लॉन्ग बेटे टाइम टेबल है, सुबह उठते हो आप, फिर फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, काम पे जाते हो या पढ़ाई करते हो, उसके बाद बेटे इवनिंग में कुछ और खाते हो, लंच करते हो, फिर इवनिंग, फिर डिनर, फिर सीरियल, और फिर सो जाते हो। जो इस सिस्टम को फॉलो करता है, और सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ता है, अगर आप अगेंस्ट हो जाए ना इस सिस्टम के तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्पोनेंट्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ सब कॉम्पोनेंट्स। अगर हम बात करते हैं सिस्टम की तो इसमें छोटे छोटे बेटे बड़े सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और वो कॉम्पोनेंट्स को जब हम जोड़ देते हैं
जब हम कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं तो उसी का नाम है सिस्टम। जैसे कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर सिस्टम आपको क्या लगता है क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? बेटे मेरे हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, और उसके भाई बेटा चूहा माउस होगा, कीबोर्ड होगा, उसके बाद बेटा उसमें कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, उसके बाद उसके साथ एक प्रिंटर भी होना चाहिए अगर आपको प्रिंटआउट निकालना है, और ये सभी के सभी बेटे कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, तभी कंप्यूटर चलेगा। अगर एक ने भी नखरे दिखा दिए, सबकी इंपॉर्टेंस है बेटे, मॉनिटर की इंपॉर्टेंस है, सीपीयू की इंपॉर्टेंस है, रैम की इंपॉर्टेंस है, हार्ड डिस्क की इंपॉर्टेंस है, उसके बाद सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस है, माउस की इंपॉर्टेंस है, बेटे हर चीज की इंपॉर्टेंस है, और ये सब जब साथ साथ चलते हैं, हम साथ साथ हैं, तो जाकर हम उसको कहते हैं ये सिस्टम है। बेटे सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपको सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं जो एक सिक्योरिटी लॉज के पेपर में पता होने चाहिए। एक बच्चा कहता था सिस्टम तो है ही नहीं हमारे, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, मुझे पता है बेटे नहीं है, बेटे कोई कराता भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा प्यार है जो मैं बता रहा हूं कि सिस्टम में बेटे दो बातें बड़ी कीमती हैं। एक तो इसके बेटे फंक्शंस हम देखेंगे, एवरी सिस्टम हैज फंक्शंस, तो फंक्शंस ऑफ सिस्टम, फंक्शंस ऑफ सिस्टम, और दूसरा बेटे कॉम्पोनेंट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के एक दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं और एक बेटे फंक्शंस होते हैं। तो मैं भूपेश आनंद अगर आपसे कहूं कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, अभी अभी बताएं उसके फंक्शंस क्या है। बेटे फंक्शंस क्या है, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, वर्ड की प्रोसेसिंग करना, सेव करना, उसको आपको पूरा एक्सेल में पूरा कैलकुलेशन करना, फॉर्मूलाज लगाना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूं ट्रैफिक सिस्टम क्या होता है, ट्रैफिक सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते होंगे। बेटे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, आजकल हमारे दिल्ली में बहुत चलान हो रहे हैं बेटे। उसके बाद रेड लाइट सिस्टम होता है, रेड लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट टाइम्स से आती है बेटे। उसके बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसके बाद आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, हेलमेट पहन के जाना बेटे, ये पूरा का पूरा अगर हम कहें तो ये ट्रैफिक सिस्टम है। इसी तरह से मेरे बच्चे, इसी तरह से मैं आ गया मुद्दे में। मैंने कहा एक सिस्टम होता है फाइनेंशियल सिस्टम। अगर मैं फाइनेंस को यूज करूं और फाइनेंस के सिस्टम को फाइनेंस के पॉइंट से देखूं, बेटे सिस्टम को फाइनेंस के पॉइंट से देखो, अगर मैं सिस्टम को कंप्यूटर के पॉइंट से देख रहा हूं तो कंप्यूटर सिस्टम, अगर मैं ट्रैफिक सिस्टम को देख रहा हूं तो ट्रैफिक लाइट्स को मैं ट्रैफिक के हिसाब से देख रहा हूं तो ट्रैफिक सिस्टम, अगर मैं सिस्टम को फाइनेंस के हिसाब से देखू तो मैं कहूंगा इट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम। बेटे फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। इसी तरह से बेटे फाइनेंशियल सिस्टम इट इज अ ग्रुप, इसके भी दो बातें होंगी बेटे, इसके भी कुछ फंक्शंस होंगे और इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे बेटे, तो मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में आपको दोनों बातें बताऊंगा, फिर तभी तो बताऊंगा कि जब हमारा ये सिस्टम है और ये सिस्टम के फंक्शंस हैं, ये सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स हैं, तो क्या जरूरत आन पड़ी इनको मैनेज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, क्यों सेबी एक्ट, क्यों SCRA एक्ट, क्यों डिपॉजिटरी एक्ट, क्यों कंपनीज एक्ट, क्यों ये सब आ गए, और व्हाई वी वांट टू मैनेज इट, व्हाई देयर आर सो मेनी रेगुलेशंस। तो बेटे पहले हम समझ रहे हैं कि दुनिया चल कैसे रही है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उसी सिस्टम की बातें करूंगा। मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की बेटे, बड़ी मेहनत की है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आए। तो बेटे आप प्लीज रजिस्टर ओपन कर लें, भले ही यूट्यूब का लेक्चर है, कुछ दिनों बाद मैं हटा दूंगा, भले लेक्चर यूट्यूब में है, तो बेटे मजा तब आएगा, फायदा तब होगा जब आप इसको नोट करेंगे। रजिस्टर खोलिए और लिखिए बेसिक कंसेप्ट, अ पर्सन, अ स्टूडेंट मस्ट नो बिफोर अटेम्प्टिंग और बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट पेपर।
बेटे मैं चल पड़ा। सबसे पहली बात आपके लिए मैंने स्लाइड्स बनाई, मैंने आपको बताया कि दुनिया सिस्टम से चल रही है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ सिस्टम। अपने नोटबुक में लिखेंगे, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल लेट के लिए पढ़ेंगे, बिल्कुल टेबल चेयर में पढ़ेंगे। बेटे सरस्वती का धन आएगा ही उसी के पास जो बिल्कुल स्वच्छ होगा और जिसका टेबल होगा साफ सुथरा और जिसमें मन में भावना होगी अच्छी। तो व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ सिस्टम, आपको मैंने अभी बताया, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्पोनेंट्स, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड दैट कॉम्पोनेंट्स दे वर्क टूगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। साथ साथ है, एक मूवी आई थी हम साथ साथ हैं, जब वो सारे कॉम्पोनेंट्स साथ साथ मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, दैट इज अ सिस्टम। तो आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ सिस्टम, प्लीज सभी लिखेंगे बेटे। इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स एंड वेरियस फंक्शंस। तो मैं सिस्टम में दो बातें डिस्कस करने वाला हूं, इसमें दो बातें होंगी, एक तो कॉम्पोनेंट्स होंगे और एक फंक्शंस होंगे। बेटे बेटे सबने लिखना व्हाट इज अ सिस्टम, बेटे मुझे उम्मीद है आप लिख रहे हो। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्पोनेंट्स विच आर वर्किंग टूगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आउटपुट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट, दैट इज अ सिस्टम। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, एग्जांपल लिखेंगे बेटे, मैंने बड़े सारे एग्जांपल सोच सोच के लिखे। कोर्ट सिस्टम, आप कोर्ट में जाते हैं बेटे, एक सिस्टम है, आपको पहले एप्लीकेशन लगानी है, आप प्लेंटिफ हैं, डिफेंडेंट हैं, उसके बाद आप किसके अगेंस्ट लगाना चाहते हैं, एडवोकेट कौन सा हायर कर रहे हैं, कौन सा डेट है, सारी बातों का एक सिस्टम बनाया बेटे। हर चीज इस दुनिया में सिस्टम है। तो कोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम बेटे, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने न्यू सिलेबस स्टार्ट कर दिया बेटे। बेटे ओल्ड भी था न्यू भी है, तो ओल्ड कब चेंज होगा और न्यू कब आएगा बेटे, इसको बोलते हैं ICSI एग्जामिनेशन सिस्टम। इसके लिए क्या क्या होगा बेटे, हमें एग्जामिनर्स चाहिए, पेपर प्रिपेयरर्स चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, फीस होगी, सेंटर्स अपॉइंट किए जाएंगे, इन्विजिलेटर्स होंगे, आप पेपर देंगे, डेटशीट आएगी, चेक होंगे और 25 फरवरी और 25 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा बेटे। पूरा क्या है, इट इज अ सिस्टम। तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो मैंने आपको ये बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिस्टम। अगर मैं सिस्टम में फाइनेंस के एस्पेक्ट के हिसाब से बात करूं तो उसका नाम पड़ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। नाउ इन दिस फाइनेंशियल सिस्टम आई विल बी फोकसिंग ऑन टू थिंग्स, दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम। Firstly, I will discuss what are the functions of this financial system, and then I will discuss what are the components of this financial system. You getting my point? The first point is what is financial system or what are the functions of financial system. मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में आपको components आपको पहले functions बताऊंगा। क्या लगता है बेटे आपके हिसाब से क्या functions हो सकते हैं किसी भी country के अंदर एक financial system के क्या फंक्शंस होंगे बेटे? मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूं कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग एंटिटीज हैं। कुछ लोगों के पास इनकम्स, मैं मानता हूं कि इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर। मान लेते हैं ये मिस्टर ए हैं एंड मिस्टर ए हैज मोर इनकम एज कंपेयर्ड टू एक्सपेंडिचर। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है बेटे। देयर इज अ डिस्पैरिटी। मुकेश अंबानी की बात करें, नारायण मूर्ति की बात करें, विप्रो प्रेम जी की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, बेटे दे हैव मोर इनकम एज कंपेयर टू देयर ओन एक्सपेंस। बेटे जब इनकम ज्यादा होती है ना एक्सपेंस से, तो जो बैलेंस पैसे बच जाते हैं ना बेटे, उसको हम कहते हैं कि वो सेविंग्स है। क्या बोलते हैं? सेविंग्स। हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछे और वो पेरेंट्स आज आपने आप ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे तो वो बताएंगे कि जब उनके पास पैसे बच जाते थे, वो भले जमाने में, वो गुजरा हुआ जमाना, तो बेटे वो पैसे घर में रखते थे, चावलों के अंदर रख दिए,
बेटे पहले चावलों के बड़े बड़े ना कनस्तर होते थे, उसके अंदर डाल दिए, बर्तनों में छुपा दिए, अलमारी की अखबार के नीचे छुपा दिए। बेटे ये सभी जो पैसे बच जाते थे, इसको हम कहते हैं कि ये सेविंग्स है। सेविंग्स, आप बात समझ रहे हैं? इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस इज अ सेविंग। तो मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये मिस्टर बी है, बेटे ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी सपोज करते हैं, मिस्टर बी पर नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और इट कैन बी अ कंपनी ऑल्सो। मिस्टर बी का एक्सपेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम। मैंने कहा मिस्टर बी का एक्सपेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम। इसका मतलब इनको कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इनको इनको कुछ बिजनेस एक्टिविटी करनी है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी, फॉर बिजनेस एक्टिविटी दे रिक्वायर सम फंड्स। लेट इट बी फॉर एक्सपेंशन, मान लेते हैं एक्सपेंशन के लिए चाहिए या नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। मैं ये मान रहा हूं कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए न्यू प्रोजेक्ट, बेटे मैंने गलत लिख दिया, न्यू प्रोजेक्ट। बेटे मैं आज बहुत जोश में हूं क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। न्यू प्रोजेक्ट भाई, इंफोसिस है, रतन टाटा है, टाटा मोटर्स है, MRF टायर्स है, लक्ष्मी सीमेंट है, फेविकोल पिडिलाइट है, डाबर है, पतंजलि है, इंडियन रेलवेज है, इन सभी एंटिटीज को या इंडिविजुअल पर्संस को कुछ लोगों को बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब आप ये बताइए, एक इकोनॉमी में एक व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं या उसने सेविंग की हुई है, तो बेटे खाली सेविंग का बेनिफिट कुछ नहीं है। वैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या हुई? आपने घर में पैसे छुपा कर रख दिए, चावलों में रख दिए, गेहूं में रख दिए, बर्तनों में छुपा दिए, अलमारी की अखबार के नीचे छुपा दिए, दिस इज सेविंग। पहले जमाने में लोग यही करते थे क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम था नहीं बढ़िया। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे ये जो सेविंग्स हैं ये इन्वेस्टमेंट कर दे, यही कंपनी यही पर्सन इन्वेस्ट कर दे, कहां पे इन्वेस्ट कर दे, हम बताएंगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है। मतलब घर में ना रखकर बैंक में जमा कर दिए, किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर लिए, डिपॉजिट्स ले लिए, मनी मार्केट में कर दिए। मतलब आप ये मानिए घर में नहीं रखे आपने पैसे और आपने किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिए, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो पहली बात हमें ये बताना चाहिए सेविंग्स क्या और इन्वेस्टमेंट क्या है। सेविंग्स का मतलब है वेयर व्हेन आई कीप हार्ड कैश विद मी एंड आई डू नॉट इन्वेस्ट एनीवेयर, आई डू नॉट गिव टू एनीवेयर एनी पर्सन, दैट इज सेविंग। बेटे कोई भी इकोनॉमी पनप ही नहीं सकती, ग्रो ही नहीं कर सकती जहां पर लोग सेविंग्स करें और इन्वेस्टमेंट ना करें। बेटे आप अमीर कब बन सकते हो? आपने वॉरेन बुफे का नाम सुना है? वॉरेन बुफे अमीर बनने का एक ही राज है, उसने हर जगह इन्वेस्टमेंट किया। बेटे पहले 10 के अंदर वॉरेन बुफे का नाम आ जाता है। बेटे उसने कोई इंडस्ट्री नहीं चलाई, खाली अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। अगर वही पैसे अगर वो अपने घर में रखता तो शायद आज वो गरीब हो चुका होता। क्यों? क्योंकि इतनी तो महंगाई होती जा रही है। आप जब अपने घर में पैसे रखेंगे बचे हुए, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बैंक की FD में नहीं लगाएंगे, बैंक की RD में नहीं लगाएंगे, किसी सिक्योरिटी को नहीं खरीदेंगे, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में नहीं जाएंगे, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स नहीं खरीदेंगे, बॉन्ड्स नहीं परचेज करेंगे, तो बेटे वो आप, पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप कुछ दिनों के बाद आउटडेटेड हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे और पूरी जिंदगी मेहनत ही करते रह जाएंगे। बेटे अगर आप चाहते हैं कि मरने से पहले आप हार्डवर्क करना बंद कर दें और अपने आप पैसा आना शुरू हो जाए, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम वो घर के पैसे किसी इस जगह में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब बेटे सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कैसे करा जाएगा? बेटे ये एक फंक्शन है फाइनेंशियल सिस्टम का। मैं फिर रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट टू कन्वर्ट सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। जब ये मिस्टर ए अपने पैसे हाँ मिस्टर ए अपने पैसे बेटे बी को दे देंगे एक माध्यम से,
एक सिस्टम के थ्रू, तो होगा क्या? आप सोचिए, जब मिस्टर बी को ये पैसे मिल गए तो मिस्टर बी क्या करेंगे? मिस्टर बी इसका क्या करेंगे? अपनी बिजनेस एक्टिविटी जिसके लिए उनको पैसे चाहिए थे, एक्सपैंड करने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, नए सिस्टम के लिए, बेटे वहां लगाएंगे। अच्छा, जब नया प्रोजेक्ट लगाएंगे, जैसे रतन टाटा ने नैनो स्टार्ट की, लखटकिया कार स्टार्ट की, तो बेटे जगह ली होगी पहले कलकत्ता में, सिंगूर में पहले जगह ली, बिल्डिंग बनाई, उसके बाद इंप्लॉइज को रखा, फिर प्रोडक्शन हुई, फिर प्रोडक्शन बिकी। तो क्या लगता है, जब जब एक नई एक्टिविटी होती होगी तो नया गांव बस जाता है बेटे, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी बेटे, प्रोडक्शन होगी बेटे, डिमांड सप्लाई होगी बेटे, एक्सपोर्ट्स होंगे बेटे, बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपने जीडीपी का नाम सुना होगा। तो बेटे आप ये बताइए कि जो सिस्टम, अ फाइनेंशियल सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम इज टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, लिखने को अच्छा बेटे, टू कन्वर्ट सेविंग्स, सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। बेटे लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे। मैं तो कहता हूं, अगर आप लिख रहे हैं ना साथ साथ, तो सोने पे सुहागा है। फाइनेंशियल सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू कन्वर्ट सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। पहले नहीं होता था बेटा। जिस कंट्री में डेवलपमेंट है, आप कभी गूगल में जाकर चेक कर लो, यूरोप में देख लो, अमेरिका में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, जो भी आपको लगता है आपके हिसाब से डेवलप्ड कंट्रीज है बेटे, एक एक सिंगल सिंगल रुपी जो सेविंग का है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो बेटे आप ये समझ लीजिए, इंप्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, टैक्सेशन सिस्टम बढ़िया होगा, सब चीजें बढ़िया होंगी, तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट आप उस कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम से जांच सकते हैं। और जो भी कंट्रीज तबाह हो गई, खत्म हो रही है, पाकिस्तान, तालिबान और बाकी कंट्रीज बड़ी सारी हैं, ग्रीस बेटे, उन कंट्रीज में फाइनेंशियल सिस्टम एफिशिएंट नहीं रहा होगा, नहीं है, इनएफिशिएंट है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे मैं बात करता हूं रेनफॉल का अम्ब्रेलास की सेल के साथ, बारिश होनी शुरू हो गई तो बेटे ज्यादा लोग छाता खरीदेंगे, इसका मतलब सेल ऑफ अम्ब्रेलास has a direct relationship with rainfall. More the rainfall, more will be the sale of umbrellas or raincoats. इसी तरह से more will be the flow of money from savings to investment from the person who has huge funds to the person who require the funds. Then that activity, that more flow of fund will help in developing the economy, GDP of an economy, economic growth of an economy, और last में बेटे हमारी country की currency strong बनेगी। तो मैंने अभी तक कुछ और बताया नहीं, मैंने ये बताया छोटी सी बात कि भाई financial system का एक बहुत important मुख्य function होता है savings को investment में convert करना। और किसी भी country में अगर savings को हमने investment में convert कर दिया तो हम जीत गए, हम कहते हैं जी उस कंट्री का सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड में जरूर लिखें बेटे, मेरे है ना तो लिखेंगे बेटे। मैंने 40 तरह की स्लाइड छोटी छोटी बनाई है, आज के लेक्चर में 20 करेंगे, लेक्चर फोरम में 20 करेंगे, लेकिन ये बड़ी कीमती है बेटे। आपको बेसिक अब समझ आने वाला होगा, धीरे धीरे मैं पर्दा उठाऊंगा, पर्दा ही रहने दो, पर्दे के पीछे क्या है अभी मैं दिखाऊंगा कि सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, क्यों इसका जन्म हुआ। आइए हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने लिखा, इट हेल्प्स इन मूविंग फंड्स फ्रॉम लेंडर्स टू बोरोवर्स। इसका मतलब वो जो मिस्टर ए थे, उनको अगर पैसे मिस्टर बी को देने हैं, तो जैसे मैं कहता हूं एक बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम बेटे, बैंक क्या करता है, जिसके पास ज्यादा पैसे उससे डिपॉजिट लेता है और जिसको चाहिए उसको लोन देता है, बैंकिंग सिस्टम। अगर एक कंट्री में अच्छा बैंकिंग सिस्टम है तो बेटे डिपॉजिट्स को हम लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं,
इसका मतलब सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एक कंट्री के अंदर बड़ा अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम है, उस कंट्री में बड़े अच्छे आईपीओज आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आ रहे हैं, मार्केट्स अच्छी है, तो क्या हुआ, आई कैन इशू मोर नंबर ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज कैन बी इशूड, एंड इफ आई इशू द सिक्योरिटीज देन आई कैन हैव मोर फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट हेल्प इन मूविंग फंड्स फ्रॉम लेंडर्स टू बोरोवर्स। और बेटे हमने पहले बताया भी कि फ्लो ऑफ फंड्स कैसे होंगे, बेटे उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है। जैसे मैंने कहा जी बैंक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, सिमिलरली आई कैन इशू सिक्योरिटीज, फॉर दैट आई हैव अ सिस्टम। तो मैं ग्लोबली कह रहा हूँ उस सिस्टम का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम। बेटे मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज ऊपर की बात करें तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। आइए जी आगे देखते हैं थोड़ा। बेटे जरूर लिखना बेटे, ज्यादा समझदार चालाक मत बनना, अगर लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको फिर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब आप हर लॉ को मैं समझाऊंगा और आप पढ़ोगे, म्यूचुअल फंड पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, तो पता चलेगा लॉजिक। लिख लो मेरिट्स ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। अब एक बच्चा सोच रहा है उसको नींद आ रही थी, वो लेट के पढ़ रहा था एक्चुअली, वो सोच रहे यार फ्लो ऑफ फंड्स नहीं भी होंगे तो क्या हो जाएगा। बेटे आप बताओ, पाकिस्तान देखो, आप जरा गूगल में जाकर चेक करो, जिस कंट्री के अंदर फ्लो ऑफ फंड्स नहीं है, खाली बातें ही बातें, बेटे जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट नहीं हो रहे, वहां पे क्या हाल है, क्या सिम्टम्स है। एक बच्चा दूसरा सोच रहा था कि यार ये फ्लो ऑफ फंड्स ना भी हो तो सरकार तो जितने मर्जी करेंसी नोट प्रिंट कर सकती है। हाँ बेटे कितनी बढ़िया बात बोली आपने, 2,000 के नोट अगर मोदी जी चाहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे, उसका गवर्नर चाहे तो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, भले एक कंट्री की सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में ना भी कन्वर्ट हो। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, शायद पूरा लॉजिक नहीं पता, अगर एक कंट्री ज्यादा करेंसी इशू करती है बिना किसी रिजर्व के, बिना किसी गोल्ड रिजर्व के, बिना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, तो बेटे वो कंट्री कुछ दिनों में दिवालिया हो जाएगा उसका, उस कंट्री की करेंसी की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। क्या बात कर गए आप, तो अनाड़ियों वाली, आप तो रिक्शा चलाने वाली बात कर गए। इसका मतलब मैं जितने मर्जी करेंसी नोट प्रिंट कर दूं ये मेरे बस की बात नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, नुकसान आप ही का है। क्यों? क्योंकि जब मैं ज्यादा एक्सपेंस करूंगा, आप खुद सोचिए एक इंडिविजुअल है वो ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है उसकी इनकम से, तो डेफिसिट ही होगा। जब एक कंट्री ज्यादा मनी सप्लाई कर रही है विदाउट द बेस ऑफ गोल्ड, विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, विदाउट प्रोडक्शन, विदाउट दैट, तो होगा क्या, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अच्छा जब ज्यादा पैसे आएंगे तो प्रोडक्शन हो रही नहीं होगी, तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। अच्छा जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे पाकिस्तान में टमाटर बिक रहे, बेटे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो हमें चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, हमें अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइफल्स हमने फ्रांस से इंपोर्ट की, अगर मेरे पास अपनी टेक्नोलॉजी होती मैं खुद प्रोड्यूस करता, मैं क्यों मेक इन इंडिया की बातें करता हूं। तो बेटे अल्टीमेटली तो बेनिफिट ही होता ना मेरे को। इसका मतलब जब आपको हम करेंसी ज्यादा प्रिंट कर देंगे तो बड़े सारे नुकसान है आपको। आप उस पॉइंट से मत सोचिए कि फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा तो करेंसी ज्यादा प्रिंट कर देंगे। बेटे हम करेंगे उस चैप्टर को कि क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, किसी भी कंट्री का दिवालिया तक निकल सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकती है अगर उसने ज्यादा करेंसी नोट्स रिजर्व के कंपैरेटिवली प्रोड्यूस या प्रिंट कर दिए तो वो ऑप्शन खत्म है। इसका मतलब जो हमने लिमिटेड करेंसी प्रिंट की है और जो सिटीजंस के पास गई है उन, अगर वो सेविंग कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सेविंग्स को हमें उसको रूट आउट करना है, उसको इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करना है, उसकी प्रोडक्शन करानी है, उसके नए एक्टिविटीज करानी है, उनकी इन्वेस्टमेंट करानी है, तो मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। तो बेटे मैंने यहां पर यही तो कहा, मेरिट्स ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, क्या मिस्टर ए को फायदा नहीं होगा? आप ये बताइए, जब मिस्टर बी को उन्होंने पैसे दिए तो मिस्टर बी कुछ सूत में देंगे नहीं उसको, मिस्टर ए को रिटर्न नहीं देंगे, आप ये बताइए। अल्टीमेटली इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, क्या मिस्टर ए को बेनिफिट नहीं होगा, क्या मिस्टर बी को बेनिफिट नहीं होगा, क्या इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं होगा, क्या क्या इंप्लॉयज को बेनिफिट, सबको बेनिफिट होगा। तो ये लिखिए मेरिट्स ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ,
तो बेटे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। आज चाइना क्यों एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है? क्योंकि उसने प्रोडक्शन ज्यादा की, इन्वेस्टमेंट की, अच्छा सिस्टम लगा दिया। क्यों इंडिया बातें करते हैं मेक इन इंडिया की? बार बार हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अल्टीमेटली दीज आर द फंड्स, और इंडिया में तभी बना सकते हैं। या तो बाहर के पैसे हैं, और या हम अपने पैसे ही जो सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दें और ये सारे काम करें। तो बेटे इंक्रीज इन डिमांड ऑफ होम करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मेरा रुपया महंगा हो जाएगा बेटे, कॉस्टलियर हो जाएगा, और अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ और द मेरिट्स ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। तो मैंने आपको अभी बताया सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। बेटे जैसे एक डिफरेंस होता ना शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में, क्योंकि सारे, क्योंकि आप यू कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी विदाउट हैविंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। एक बच्चे के कान खड़े हो गए, वो कहता क्या? मैं रिपीट करता हूं, यू कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी विदाउट हैविंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। बेटे कुछ कंपनीज होती है ना जिनके पास शेयर्स ही नहीं होता, विदाउट शेयर कैपिटल, तो आप उस कंपनी के मेंबर हो सकते हो बिना शेयर्स होल्ड किए। इसी तरह से यू कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। मैं भी आने वाले टाइम में बताऊंगा, अभी बताऊंगा। इसी तरह से बेटे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स का मतलब है जब घर के पैसे घर के अंदर ही दबाए हुए हैं, घर के अंदर ही रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं सेविंग्स। बेटे सेविंग से कुछ होने वाला नहीं है, सेविंग से आप गरीब बन जाओगे। सर हम गरीब बन जाएंगे? हाँ बेटे, आप जब अपने पैसे सेव ही रखोगे और बाहर नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो बेटे आपको पता है आजकल हमारी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड 10-12% की महंगाई है। बेटे महंगाई, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। बेटे बड़ी कॉस्टली चीजें हो जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपने 100 रुपये अपने घर में रखे बेटे, एक साल के बाद इनकी वैल्यू मैं आपको बताऊं, अगर 12% की महंगाई हुई, तो बेटे जो चीज आप एक साल पहले 100 रुपये में खरीद सकते थे, एक साल के बाद आप वही चीज पता है कितने में खरीद पाओगे? बेटे जो चीज आप, तो अगर 10% की महंगाई हुई, तो वही चीज आप एक साल के बाद 110 रुपये की खरीद पाओगे। और अगर आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, सेविंग में रहने दिए, तो बेटे आप एक्चुअली में गरीब बनते जा रहे हो। इसका मतलब वॉरेन बफे कहता है, अगर सच में अमीर बनना है तो आपको एवरी पेनी ऑफ योर सेविंग्स शुड बी, मैं भी यूट्यूब की इन्वेस्टमेंट आप भी बड़े सारी वीडियोस दिखाऊंगा आपको, मैं पूरे लेक्चर्स में बेटे लाइव रहूंगा गूगल में, सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग, हर चीज सिखाने वाला हूं। आप उसकी टेंशन छोड़ दें, अभी बेसिक तो समझ लीजिए कि सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। बस यहीं से स्टार्ट होने वाला है, वहीं से स्टार्ट होगा सिक्योरिटीज, लॉस एंड कैपिटल मार्केट। तो आपने उम्मीद लिख लिया होगा। आगे आ जाइए, एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स के एग्जांपल्स बता दिए, एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बैंक की, घर से जब पैसे बाहर निकलते हैं तो बेटे उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब बैंक में आपने FD करा दी, रिकरिंग डिपॉजिट ले लिए, सिक्योरिटीज खरीद ली। सिक्योरिटीज क्या बेटे? इक्विटी शेयर्स बेटे, बॉन्ड्स बेटे, प्रेफर्ड स्टॉक बेटे, बेटे डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, कुछ भी, ऑल विल कम अंडर द सिक्योरिटीज। आपने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब कमोडिटीज खरीद ली, रियल एस्टेट खरीद ली, फार्म लैंड खरीद लिए, मतलब आपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ना करके एक नई इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको कहते हैं बेटे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। सो एग्जांपल जरूर लिखे बेटे, बहुत फायदे में आएंगे। आगे आ रहे हैं, फिर मैंने आपको बताया कि जिस कंट्री में ज्यादा बेटर इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम है, उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे मैं कहता हूं रणवीर और दीपिका पादुकोण, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो मैं कहता हूं कि जब एक तरफ मैं कहता हूं इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम है, तो बेटा GDP ज्यादा अच्छी है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपके हार्डवर्क में और 25 फरवरी और 25 अगस्त के रिजल्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। अगर हमारा सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, अगर हम सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो कहते हैं दैट इज इनएफिशिएंट सिस्टम।
उस सिस्टम में ग्रोथ कम होगी, पर कैपिटल इनकम कम होगी, पॉवर्टी ज्यादा होगी, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, लोग अनपढ़ होंगे, एजुकेशन कम होगी। बेटे ये सिम्टम्स हैं, अगर किसी को बुखार होता है तो ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, सिर में दर्द है, आंख में दर्द है, नींद नहीं आ रही, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वॉमिटिंग आ रही है, तो दीज आर द सिम्टम्स। सिमिलरली आई कैन सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, एंड फॉर अ कंट्री एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम इज मोर प्रेफरेबल, बिकॉज व्हेन देयर इज अ मोर पॉजिटिव एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, अ सिंगल पेनी ऑफ सेव्ड अमाउंट सेव्ड कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इन्वेस्टमेंट एंड हेंस मोर प्रोडक्शन विल बी देयर एंड एट लास्ट पर कैपिटल इनकम विल इंक्रीज। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट विद, अब मैं आ गया जी कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी सिस्टम में या मैं फाइनेंशियल सिस्टम में दो बातें डिस्कस करूंगा, फंक्शंस और अब उसके कंपोनेंट्स। बेटे वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपोनेंट्स चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम। बस धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे में सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट की नीड और उसकी नेसेसिटी आपके सामने लेकर आऊंगा। आप बस मेरे साथ 5 मिनट और ध्यान से बैठिए और ये जरूर फ्लो चार्ट लिखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बेटे 3 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, बेटे 3। बेटे पहला आप ये बताइए, एक सब्जी बेचने वाला किसान सब्जी उगाता है, वो उसके बाद मंडी में जाती है, मंडी से ट्रक से लोकल मंडियों में जाती है, वो जो वेजिटेबल ओनर खरीदता है, आप मार्केट जाते हैं और आप खरीदते हैं, तो बेटे इस पूरे सिस्टम में किसान की सब्जी उगाना उसके खेत में और आपकी किचन में सब्जी बनना और आपने खाना, इसमें 3 मुख्य तौर पे कंपोनेंट्स हैं जिसका मैं ध्यान रखना। बिल्कुल इसी तरह सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। बेटा पहला मैंने लिखा फाइनेंशियल मार्केट, एक मार्केट का होना बहुत जरूरी है। बेटे बिना मार्केट के हम बायर और सेलर आपस में ना तो बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा अमेज़न, मैं दिखाऊंगा फ्लिपकार्ट, मैं दिखाऊंगा क्विकर, मैं दिखाऊंगा OLX, मैं दिखाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज, मैं दिखाऊंगा BSE, मैं दिखाऊंगा NSE, मैं दिखाऊंगा सांड, मैं दिखाऊंगा भालू, इन सब की बातें करने वाला हूं। मैं आपको उस पॉइंट पे लेके जा रहा हूं जब स्टार्टिंग कहां से हुई। मैंने कहा पहला सिस्टम, फिर मैंने कहा फाइनेंशियल सिस्टम है, फिर मैंने कहा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, अब मैं आ गया कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे ही कंपोनेंट्स खत्म होंगे आप समझ लीजिए फाइनेंशियल मार्केट की बातें शुरू हो जाएंगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, पहला लिखना है फाइनेंशियल मार्केट, बेटा पहला कंपोनेंट। फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दूसरा कंपोनेंट, फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ही बात है, तीसरा कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट्स बेटे, मार्केट, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन कम एंड विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिज्म प्राइस इज बीइंग डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। The goods are, the products are, the instruments are being exchanged. That is named as a market. Market can be physical or market can be virtual. आपको कोई सामान खरीदना है तो आप सब्जी मंडी में, सब्जी मार्केट में जा सकते हैं सब्जी खरीदने। आपको गहने खरीदने हैं तो जेवर मार्केट में जा सकते हैं। आपको मछली खरीदनी है तो फिश मार्केट में जा सकते हैं। ऐसे ही आपको सिक्योरिटीज खरीदनी है तो हम फाइनेंशियल मार्केट में जा सकते हैं। या ऐसे आपको पैसे फ्लो करने सेविंग टू इन्वेस्टमेंट तो हम फाइनेंशियल मार्केट में जा सकते हैं। उसकी 2 पार्ट्स हैं, भी डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अभी रुकिए, अभी पहले आप बनाइए फ्लो चार्ट को। मैं आपको कह रहा हूं मार्केट इज अ प्लेस वेयर 2 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, 1 कैटेगरी इज नेम्ड एज बायर एंड द सेकंड कैटेगरी इज नेम्ड एज सेलर, कैन कम टूगेदर on a common platform, they can interact and then they will have some transactions, buying transactions and selling transactions, that is named as a financial, that is named as a market. And when I can, you know, exchange financial securities between the persons who have abundant funds and the persons who require the funds, that is named as a financial market. Ab bete financial market ko hone ke liye
इंटरमीडियरीज की जरूरत है. मैंने नेक्स्ट लिखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज. जैसे सब्जी, सब्जी खेत में किसान ने सब्जी उगाई, अब बेटा वो अपने आप उड़ी आ जाएगी, उसके लिए उन्होंने वहां की मार्केट में होलसेल मार्केट में बेचा होगा, फिर वहां से बेटे ट्रक भर के आए होंगे दिल्ली में, मान लेते बॉम्बे में भाई कला सब्जी मंडी है, बॉम्बे में दिल्ली में आजाद मंडी है, आजादपुर मंडी है, बेटे वहां पर आए होंगे ट्रक से आए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर वहां से बिका होगा, उसके बाद होलसेलर, फिर लोकल मार्केट, उसके बाद जाकर आपके घर में आया होगा. तो इसके लिए इंटरमीडियरीज की जरूरत है. जैसे मैंने कहा बैंकिंग सिस्टम, तो बेटे इन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए बीच में व्यक्ति होना चाहिए ना, दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज. बेटे मर्चेंट बैंकर, बेटे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एमेजॉन इज अ इंटरमीडियरी बिटवीन बायर एंड सेलर, फ्लिपकार्ट, क्विकर, ऑलेक्स, ये सारे क्या है, माध्यम है. जैसे एक फ्लो, जैसे मार्केट में हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इस माध्यम की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. और बेटे कुछ तो बेचेंगे ना, जैसे मैंने कहा सब्जी मार्केट में सब्जी बेचेंगे, फिश मार्केट में फिश बेचेंगे, ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में भी तो कोई प्रोडक्ट होंगे बेटे, सिक्योरिटीज होंगी बेटे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, बॉन्ड्स होंगे, शेयर्स होंगे, प्रेफर्ड स्टॉक होंगे, कमर्शियल पेपर होगा बेटे, ट्रेजरी बॉन्ड होंगे, सर्टिफिकेट डिपॉजिट होंगे, वो सारे हम बोलते हैं दीज आर नेम्ड एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मैंने लिखा तीन कॉम्पोनेंट्स. एक कॉम्पोनेंट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स, दूसरे कॉम्पोनेंट का नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज. एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा सर एक एग्जांपल ऐसा बताओ जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता हो. बेटे मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप पहले कमर सीधी करके बैठो. बेटे आपका जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, ये ह्यूमन बॉडी, ये भी तो सिस्टम है. आपका जितना भी वजन है या जितने भी पार्ट है बेटे, उसमें 70% वाटर है. और आपके आपके आपकी बॉडी में बेटे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, बेटे ये कॉम्पोनेंट्स है. अच्छा इन सबको कनेक्ट किसने किया है? बेटे नर्व्स ने, बेटे ब्लड ने. तो मैं कहूंगा वो इंटरमीडियरीज हैं. आप समझ रहे मेरी बात को? और जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट है. अच्छा जब आप कुछ खाना खाते हैं तो ये कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं ना उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. तो मैं कहूंगा एनर्जी इज अ प्रोडक्ट. तो बेटे तीन कॉम्पोनेंट्स की जरूरत है फाइनेंशियल मार्केट. There are three components of a financial system. That one is financial market, second is financial institutions, and third is products. अब मैं आ गया जी market के ऊपर. पहला component जो है financial market में, अब इसके ऊपर ध्यान दूंगा और मैं इसके लिए next lecture में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि what is the meaning of a market. तो बेटे मेरे ये दो तीन lectures, पहले तीन चार हो जाएं कोई tension मत लीजिए, आज third lecture है, इसके बाद लेक्चर 4, फिर लेक्चर 5. ये पहले 5-6 लेक्चर्स जो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं, इसको लाइफ में कहां लेके जा सकते हैं एज ए कैरियर, सिलेबस, और ये 3-4 चैप्टर्स, 3-4 लेक्चर्स जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे. बेटे आज के लेक्चर में मैंने अभी तक ये नहीं बताया व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट. मैंने आपको खाली सिस्टम की बात की, खाली फाइनेंशियल सिस्टम की बात की, खाली फंक्शंस की बात की, और उसके बाद फिर मैंने कंपोनेंट्स की बात की. बेटे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने का के लिए आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कंपोनेंट्स किस तरह के होते हैं और कैसे करते हैं. उम्मीद है अभी तक आपको बात समझ आई होगी. इसका मतलब मैं नेक्स्ट लेक्चर में 10th पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूं. तो मैं सीधा ही 10th पॉइंट आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.